हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज आपां गल करन लगे हैं जो अज पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर के उत्ते जो घटना वापरी है, जो SFS ते AVP दे जो वर्कर है उन्होंने कुछ हत्थापाई हुई है। सुन चया है कि वो उत्ते डिबेट कर रहे थे, बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन वो डिबेट हौली हौली मुद्दा इन्ना भगदा गया ते इस नतीजे ते पहुंचा कि उत्थे हत्थापाई शुरू हो गई, पुलिस नूं आना पिया। लेकिन कितना कितने अगर असी देखिए तां पंजाब यूनिवर्सिटी दे नाम वास्ते ये बड़ा ही मंदभागा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स चों उन्ना लाहा नहीं लै पा रहे है जिन्ना इदां दी चीज़ां इत्थे वापर रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच। अगर मैं गल करां, कोई कहना जी ये नैशनल पॉलिटिक्स वाली पार्टी है, कोई स्टूडेंट पार्टी है, पर कितना कितने सारिया पार्टियां अपने मौलिक सिद्धांतों को भुलदिया जा रही। उन्होंने फर्ज है भी वो स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा करन, लेकिन इतने सारा कुछ कुछ होर ही चल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी के। मैनू तो लगता भी स्टूडेंट्स के हकों की गल जितों तक की जाती है वो थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हो रही है। लेकिन इदा के मुद्दे जो बहुत ज़्यादा गर्मी का रूप लैके सामने आते हैं, चलो डिस्कशन सी, हेल्दी डिस्कशन सी, लेकिन ये इस तरह की चीज़ होना गलत है। बेशक इस कोई भी आप नहीं कहोंगे भी AVP बुरी है या SFS बुरी है, लेकिन ये जी गल ये है कि साड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम इदा दिया गलों नाल खराब हो रहा है। तुम अपने विचार भी इतने दे सकते हो, थले कमेंट के कमेंट कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है। तो दूजे पासे गल अगर आप करिए कि ऐसी गल हुई कि मुद्दा इन्ना ज़्यादा भग गया कि पुलिस को दोनों धिरों आपके नाल थाने विच ले जाना पे। मतलब एक हेल्दी डिस्कशन कदों इदा दी शेप लैगी कि लोग आपस के उत्ते एक दूजे नूं मारन ते उतारू हो गए। ये पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच मेरे ख्याल दे विच पहली बारी होया जो कोई हेल्दी डिस्कशन इस तरीके नाल इंटरप्ट हुई है ते आपस दे विच इन्हां ने लड़ाई शुरू की है। उस तो बाद मैं ये कहूँगा कि कोई पार्टी है, किसी उत्ते कोई आरोप लगते हैं, किसी उत्ते कोई आरोप लगते हैं, लेकिन ये चीज़ां कुल मिला के पंजाब यूनिवर्सिटी वास्ते बहुत ज़्यादा बुरियां ने, उसकी इमेज वास्ते बहुत ज़्यादा बुरियां है। होना ये चाहिए कि ये स्टूडेंट पार्टीज का मेन जो मोटिव है वो स्टूडेंट वेलफेयर होना चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी इस मुद्दे के उत्ते काम नहीं कर पा रही है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैनू लगता है। स्टूडेंट वेलफेयर तो दूर जाके आप इधर उधर दलों को चक के अगर मुद्दे बना के काम शुरू करा तो कोई फायदा नहीं है गा। तो इस करके सूँ थोड़ा जहा सोचना पेगा कि जो भी चीज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी हो रही हैं, शायद चाहे वो SFS पार्टी के वर्कर्स है, चाहे वो AVP जुड़े हुए वर्कर है, लेकिन अज स्टूडेंट सेंटर से जो वापरिया वो स्टूडेंट्स को पता नहीं लग्या, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तो पंजाब यूनिवर्सिटी के ना ही SFS नाल है ना ही AVP नाल है किसी एक पार्टी। सारे स्टूडेंट आपकी एक आइडियोलॉजी रखते, आपका एक पार्टी पक्ष रखते, आपकी एक सोच रखते, आपका एक विचार रखते हैं, लेकिन अज जो उत्थे डिस्कशन चल रही तो किसी को समझ भी नहीं आया इतने कौन किदे वाल है। गल ये नहीं है, गल ये है कि ये सारिया चीज़ा बहुत ज़्यादा बुरी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी की इमेज कितने ना कि खराब हो रही है, इदा नहीं होना चाहिए। तो अगर थोड़ी तो कोई परसनल आइडियोलॉजी है तुम उन्होंने रखो, लेकिन उन्होंने किसी उत्ते थोपन की गल ना करो। तुम अगर असी SFS की गल करिए, SFS आपदे आप देश भगतों की पार्टी कहने, AVP की गल करिए वो भी देश भगतों की पार्टी कहते, तो मगर अगर इन्नी ही ज़्यादा देश भगती है तो आपस की यह लड़ाई कितों खत्म होगी। जे तुसी इन्ने ही स्टूडेंट वेलफेयर करना चाहते हो तो सारे रल के कर लो। सब तो पहले इन्निया पार्टियां जो पंजाब यूनिवर्सिटी के विच बनिया हुई हैं, इन्हां दा प्राइमरी मोटिव की है, ये क्यों बनी है? अगर इन्हां दा मोटिव सिर्फ यही सी कि स्टूडेंट वेलफेयर करना है, तो स्टूडेंट वेलफेयर का एक किसी नाम के थले आके भी हो सकता है, लेकिन उस तो बाद अलग 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 जिमें जिमें बंद आइडियोलॉजी है, जिमें जिमें बंद की सोच है, पार्टियां पंजाब यूनिवर्सिटी बन रही हैं, तो थोड़े सामने रिजल्ट जो भी हो रहे हैं। थोनू की लगता है ये कुछ होना चाहिए? भुपिंदर सिंह बाटवाई का कमेंट आया, यू आर राइट ब्रदर, मैन हैंडलिंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ये हूँ देखो, ये कुछ भी जस्टिफाई नहीं है। नुकसान कि हो रहा है, स्टूडेंट्स का हो रहा है। जेडे उ AVP वाले से वो भी स्टूडेंट से, जो SFS वाले हैं वो भी स्टूडेंट है। केस किन्ना दे पए? स्टूडेंट्स दे पए। फ्यूचर किदा खराब होगा? स्टूडेंट दा होगा। किसी दा की गया? किसी दा तो कुछ भी नहीं गया ना। इस करके सानू स्टूडेंट्स नू ही चाहिए। दो पार्टियां ने पीस मार्च भी अज कढ़िया, SOI ने पीस मार्च किया है, NSUI ने कैंडल मार्च किया है, ठीक है, लेकिन कितना कितने सानू पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स नू
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ SFS ਜਾਂ AVP ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਵੀ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ VC ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ SFS ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ, SFS ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬਣਾਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਵੀਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਮਨਜੀਤ ਤੂਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਗੁੱਡ ਵੀਰੇ ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ SFS ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ AVP ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਐਗਰੀਡ ਵੀਰ, ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੂੰਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਪੈਣੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਕੁਛ SFS ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਕੁਛ AVP ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ SFS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ AVP ਵਾਸਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਵਿਜੇ ਕੇ ਬੂਥ ਦਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਸਭ ਪਪੇਟਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਾ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਇਗਨੋਰ ਦੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ, ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਧੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। 100 ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਡ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,
जो लोग इतों पढ़ के जाते हैं या जो लोग कितने होर जा रहे हैं, ये सारिया जो चीज़ा ये गतिविधियां जो चल रही आपसी लड़ाई ये पॉलिटिक्स ये कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बन रहा, डिफेम हो रही है यूनिवर्सिटी। कल को नौकरी लैन जाना है तो उन्होंने लोगों ने कहना यार तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है जितने इदा के नॉनसेंस मुद्दों के उत्ते चीज़ा क्रिएट हो रही हैं, लोग आपस लड़ रहे एक दूजे को मारन से उतारू हो जाते हैं। इस करके सानू थोड़ी जी सोचने की लोड़ है। नो डाउट असी सारे आपके देश को प्यार करते हैं तो देश के खिलाफ कुछ भी होंगे वो गलत है, लेकिन असी उन्हों सही ता करांगे जे असी आपदी यूनिवर्सिटी दे विच चंगे काम करांगे, आप चंगे बनांगे, फिर ही वो चीज़ा पॉसिबल हो सकदी। अज जड़ा जड़ा मुद्दा होया हुण इहदा फायदा किनू होया, इहदा दोनों धिरां नूं नुकसान होना, फायदा किसी नूं नहीं होना। किसी दे कोई परचा पै जू, किसी दे कोई परचा पै जू, फिर आपदियां तरीकां भुगतदे आ स्टूडेंट, ते इस करके सानू अवॉइड करना चाहिए। बाकी तुसीं आप सियाणे हो, तुहानूं की लगता है? हुण कल दा तुसीं न्यूज़पेपर देखोगे, सारे न्यूज़पेपर दे विच आ देखो जी, इत्थे चौधरी मनदीप पुनिया, इन्हां ने बड़ी वीडियो वधिया वीडियो इन्हां ने बनाई है, मनदीप पुनिया जी ने, मैं कहूंगा भी सारे जरूर देखियो, असीं भी शेयर करांगे। कहिंदा लड़ाई करके गालियां निकाल कर कौन सी क्रांति आती है। बिल्कुल पुनिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसीं, लड़ाई करके ते गालां कट के कि क्रांति आती है। ते चौधरी मनदीप पुनिया जी ने एक बड़ी अच्छी अज वीडियो भी बनाई है, मैं कोशिश करदा कि तुहाडे वास्ते वो प्ले करा। एक होर मैसेज आया इंदर सेखों का, यूथ लीडर शुड बी वेरी पॉजिटिव लाइक दलवीर सिंह गोल्डी, मीडिया कैन चेंज द एनवायरमेंट। बिल्कुल जी, ये गल्ला बिल्कुल साफ है जी। सब तो पहले सानू आपदे सोसाइटी आपदे आसे पासे का आपदे आप नू बदलना पड़ेगा, उदू बाद असी देश बदलने ते क्रांति दियां गल्लां करदे चंगे लगदे हैं, ते ये सारिया गल्लां का सानू ध्यान रखना पड़ेगा। लिपप्रीत धालीवाल गिल, होप ऑल फेलोज गेट दिस, दिस इज नॉट ए वे ऑफ एनी। बिल्कुल जी, सारे देखो जो भी कोई आम आदमी होगा, आम नॉर्मल बंदा होगा, बेशक वो कोई भी, वो यही कहूगा कि असी इन्हां चीज़ां नू एक आपदे तरीके नाल सोचिए। ते सब तो मेरा थोड़े नाल लाइव होना मुद्दा यह है भी असी पंजाब यूनिवर्सिटी नू बदनाम नहीं करना, साड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत वधिया है, एदू वधिया इंस्टीट्यूशन मैनू नहीं लगता, मैं तो इतों पढ़िया है भी कोई हैगा है, जिन्नी इतने असी ऐश करी दी है, जिन्ना असी इतने इंजॉय करी दा है, जो इतने फ्रीडम मिलती है। तुसी मैनू एक भी यूनिवर्सिटी गिना दिओ पंजाब की, आपां गल करिए जिथे पंजाब यूनिवर्सिटी वर्गा माहौल है, बेशक वो गर्ल्स की गल होए, बेशक वो बॉयज़ की गल होए, कितने नहीं है इक्वैलिटी, हर चीज़ दे इसको इक्वैलिटी है सारियां नू, जो मतलब इहदे च कोई दो राय नहीं हैगी। जो पंजाब यूनिवर्सिटी कर रही है वो बेस्ट है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी नू आपां इदां दीआं चीज़ां करके, वो भी इदां दे मुद्दे ते, तुसी इह बहस कोई होर हैल्दी मुद्दे दे उत्ते भी रख सकदे सी जिथों ये सारियां चीज़ां चलदियां। आ देखो जी, पुनिया जी ने जिहड़ी बनाई मैं तुहानूं सुनाउण की कोशिश करदा, ये बड़ी वधिया इन्होंने बोलिया। यही जंग आज पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर पर भी देखी गई, जिसमें हमेशा की तरह एक तरफ अपने आप को राष्ट्र प्रेमी बताने वाली पार्टी एबीवीपी तथा दूसरी तरफ गरीब मजदूर का सच्चा हितैषी बताने वाली पार्टी एसएफएस ने डटकर मोर्चा संभाला, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों छात्र बिल्कुल एक फुटबॉल मैच की तरह देख रहे थे। परंतु ये जंग या मैच का परिणाम डरा रहा, क्योंकि जंग में चले थप्पड़ों मुक्कों या अभद्र भाषा को सही से माप कर उचित परिणाम निकाल पाना एक आम छात्र के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। असल में इस तरह के मैच अब हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में खेले जाने लगे हैं, जिसमें ये दोनों ही पार्टियां जो अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण मानती हैं और पहले वैचारिक लड़ाई लड़ने की कोशिश करती हैं, परंतु कोई नतीजा न निकलने के कारण लात घूसों थप्पड़ों और गालियों से मैच खत्म करने की कोशिश करती हैं, परंतु नतीजा फिर भी ड्रा ही निकलता है। इन दोनों पार्टियों की बात आप ध्यान लगाकर सुनेंगे तो दोनों पार्टियां भगत सिंह का हवाला देते हुए मारने व मरने की बातें करती हैं। प्यार प्रेम या इष्ट से पता नहीं इन दोनों को एलर्जी क्यों है। जिंदगी मिली है तो इसे सुख तरीके से जीने की बात करिए, मर तो बुढ़ापे में सब अपने आप ही जाते हैं। पता नहीं लोगों को मारकर ये लोग किसके लिए और कैसी क्रांति करना चाहते हैं। खैर छोड़िए, इन दोनों पार्टियों में हम जैसे स्टूडेंट ही हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि इन दोनों पार्टियों के स्टूडेंट अपने आप को सर्वज्ञानी मानते हुए इस तरह की जंगों का ऐलान कर देते हैं, जिसकी वजह से
इनके खुद के ही हाथ पैर दांत टूटते हैं और पुलिस केस होते हैं, वो अलग से। वैसे भैया इस राइट लेफ्ट के चक्कर में आम छात्रों की शिक्षा को भंग मत करो, और हो सके तो आप भी अपने कल्पना लोक स्वर्ग से बाहर आकर वास्तविक जीवन से जुड़ो। धन्यवाद। ये अपील मैं अपने निजी विचारों से कर रहा हूँ। ये बड़ा बढ़िया, मनदीप पुनिया जी अपने स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने आपकी फीलिंग्स व्यक्त की हैं कि वो की सोचते हैं आज के इंसिडेंट, वो नहीं मिला था, सारी पंजाब यूनिवर्सिटी ये सोच रही है क्योंकि स्टूडेंट्स इतने पढ़ने आए हैं, आपकी लाइफ इंजॉय करने आए हैं, तो असी देशभक्त हैं, असी सारे देशभक्त हैं, सानू देश की जो इंटीग्रिटी है उन्होंने बचा के रखना, लेकिन सब तो पहले सानू पंजाब यूनिवर्सिटी की डिवेलपमेंट बारे गल करनी होगी, इतने जो कमियां उन्होंने पूरा करना होगा। ABP जो एक नैशनल पार्टी है, इतने पंजाब यूनिवर्सिटी के जो फंडिंग का इशू आ रहा है, मैं ABP भी रिक्वेस्ट करूँगा, हरमन को कहूँगा कि उन्होंने चीज़ों के उत्ते भी आप गौर करिए, तो वो फंडिंग जिदी घाट पंजाब यूनिवर्सिटी हो रही है वो मिले, ताकि जो इतों का जो सिस्टम है वो सही तरीके चल चल सके। मैं SFS वाले कहूँगा तुम बड़े गर्म खून वाले हो, तुम बड़े थोड़ी सोच बड़ी वधिया है, तुम जो भी कुछ कर रहे हो, लेकिन मर्यादा दे विच रह के आप सारी चीज़ा करिए, कि किसी को नुकसान ना होए, साड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम ना होए। कहने तो भाव यह है ABP वाले भी स्टूडेंट है, SFS वाले भी स्टूडेंट है, थोड़े किसी के उत्ते कोई केस ना पे, तुम आपका इतने स्टडी करना आए हो, आपकी स्टडी करो, नो डाउट तुम देश के वास्ते कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन आपके उत्ते परचे पुआए बिना एक हैल्दी इनवायरमेंट इतने क्रिएट करिए पंजाब यूनिवर्सिटी, ताकि एक मैसेज इतों जाए पंजाब यूनिवर्सिटी तो कि साड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी दिल्ली की या होर जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कई गुणा ज़्यादा बैटर है, इतों के स्टूडेंट की जो सोच है वो उन्होंने कई गुणा उपर है, जो एक तरीके सोचते हैं, जो डेमोक्रेसी समझते हैं, तो मेरे ख्याल यही साड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी वास्ते बहुत ज़्यादा वधिया होगा। बाकी ये मेरे आपके परसनल व्यूज सी, अगर किसी को कोई ठोस पहुंची है या ठेस पहुंची है तो वो थोड़ा वह ध्यान रख ले, बाकी मैं तो हम की कहूँगा, पंजाब यूनिवर्सिटी आप नंबर वन है, नंबर वन ही रहन दिए, तो कुछ वधिया करिए, प्रोडक्टिव करिए, ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी को ग्रांटा टाइमली मिलती रहन, इतों साइंटिस्ट निकलते रहन, तो पूरे विश्व का ध्यान पंजाब यूनिवर्सिटी की जो कामयाबी है वो टिके रहे। थैंक यू सो मच जी, आज दे लिए इन्ना ही काफ़ी है। जिन्होंने देखिया इतने नवदीप कौर जी का मैसेज आया, वेरी ट्रू, इंद्र सिखोई द्वारा मैसेज आया जी, लीडर शुड बी, काफ़ी औखे औखे शब्द लिख रहे हैं, सो पर जो भी गल है भी सारे लोग यही चाहते हैं कि असी आपकी यूनिवर्सिटी की जो माहौल है उन्होंने बचा के रखिए, स्टूडेंट सेंटर साडा एड्डा वधिया स्टूडेंट सेंटर है, तुम ये देख लो भी कितने स्टूडेंट सेंटर वर्गी मौज होगी, कितने होगा इदा का, कितने भी नहीं हो सकता, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि असी यूनिवर्सिटी नूं वधिया बनाने बारे काम करिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स के हकों की गल करे, स्टूडेंट्स नूं बहुत सारे हक नहीं मिल पा रहे हैं, उन्होंने चीज़ों पिछे लड़े। हर्षदीप जी का मैसेज आया जी, राइट प्रो, तो मेरे ख्याल दे च मैं तो सिर्फ आपकी गल्लां करनियां सी, क्योंकि मैं ना SFS वल दा ना ABP वल दा ना मैं किसी पार्टी वल दा, मेरी एक आपकी आइडियोलॉजी है, मैनूं ये लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हत्था पाई नहीं होनी चाहिए। असीं एक वीडियो अज शेयर की है, वो कोई सरदार भरा उहदे वाल खुले वे आ, उहनूं पुलिस लैके आ रही, मतलब की है पंजाब यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स इत्थे पढ़न आए हैं, तुसीं की कर की रहे हो इत्थे, ये गलत है। चलो जी, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच, होर अपडेट्स वास्ते वेखते रहो कैंपस TV, तो बाकी थोड़ा लगता है भी आप कोई होर डिस्कशन इदा की कर सकते हैं तो आप इदा जुड़ के करांगे, क्योंकि तुहाडे मैसेज इत्थे आए हैं।